नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स में। तो आगे बढ़ते हैं 15 जनवरी 2023 के इस डेली करंट अफेयर की ओर। पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? वह वर्ष है 1999। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है अलग अलग नामों से। जैसे असम में बिहू के नाम से मनाते हैं, उत्तर भारत में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाते हैं और कहीं कहीं उत्तरायण के नाम से ही मनाते हैं। और इसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने पदक स्वर्ण पदक जीता? स्काई चैंपियनशिप नाम है फलक मुमताज। जम्मू और कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। फलक मुमताज, नाम याद रखिएगा, ने जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिविल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह संगीत के क्षेत्र से थी। एक संगीतकार और रॉक एंड रोल के दिग्गज एल्विस प्रेस्ली की इकलौती बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? यह भी याद रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री कौन है अभी हमारे देश के? वह हैं माननीय राजनाथ सिंह जी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को कहाँ मनाया? देहरादून में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। सम्मेलन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑनलाइन गेमिंग जो कि बहुत चलता है, हमारे देश में भी अब स्थापित होने की घोषणा हो गई है और यह है मेघालय में। मेघालय कहाँ की राजधानी है? केंद्र सरकार ने मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहाँ केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 को शिलोंग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इरफान खान अलाइव इन मूवीज, इरफान खान बहुत अच्छे अभिनेता जो कि पिछले वर्ष कोविड के वजह से इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके ये पुस्तक लिखा गया। पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता जी। प्रसिद्ध समीक्षक और लेखिका शुभ्रा गुप्ता ने जनवरी 2023 में अपनी किताब इरफान खान अलाइव इन मूवीज की घोषणा की। 8 जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सुरभि जखमोला। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है नियुक्तियों से रिलेटेड, तो पहली महिला अधिकारी बनी है किसकी? विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाले सीमा सड़क संगठन। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन जानते हैं कि भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बन गई है। किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? वह है IG ड्रोन। इसके बारे में मैंने उस दिन विस्तार से बताया था, कितने किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है, कितना किलो वजन उठा सकता है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं।
किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? युगांडा। युगांडा देश का नाम है जहाँ पे एक प्रकोप था इबोला नाम का, वो अभी वहाँ समाप्त हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यही कामना करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी एक बयान में युगांडा ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। आज के मुख्य खबरों में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में, और अन्य विषयों से संबंधित भी तैयारी करने के लिए ईश्वरी रजक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।